वो हार्डीज का शेड्यूल ट्राइब की डिमांड और उस डिमांड को भाजपा गवर्नमेंट की तरफ से पूरा किया जाए। तो है ये रिजर्वेशन दी एस टी को भी शामिल हमने किया है, लेकिन अब ये कौन सा लॉजिक हुआ कि वो मुझे बोल रहे हैं कि ऐसा का बदला ऐसा ऐसा से, और दूसरी तरफ से 370 की एब्रोगेशन को नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके गए। दैट मीन्स को आप सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन को आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं ये समझता हूँ जम्मू कश्मीर की जो तबाही रही है 47 से लेके आज तक, उसकी जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस की ड्यूटी। पीडीपी की प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन जिस दिन हारती है और दूसरे दिन उसका बयान होता है कि आप चकांदा बाग रास्ता खोल दो, आप मुजफ्फराबाद की सड़क खोलो, भाई आपको क्या। आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट, चुनावी सफर में हम आप पहुंचे हैं पुंछ के कॉन्स्टिट्यूएंसी मैंडर, जो कि सरहद के साथ मिली। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरदार मुर्तजा खान साहब, जो बीजेपी के कैंडिडेट हुए हैं। मतलब अगर हम बात करें तो सियासी, मतलब किस तरह की सियासी रुझान है इस बार इस इलाके में? देखिए, यहाँ ये जो इलेक्शन है पर्टिकुलरली असेंबली का इलेक्शन, इसमें एक डोमिनेंट इशू जो रहा है इस कैंपेन के प्रोसेस में और आगे भी रहेगा इलेक्शन कैबिनेट होने तक, वो था पहाड़ीज का शेड्यूल ट्राइब की डिमांड और उस डिमांड को भाजपा गवर्नमेंट की तरफ से पूरा किया जाए। क्योंकि उस वक्त जब ये हम इशू लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गए, तो हमने बीजेपी की लीडरशिप को जो गवर्नमेंट में है, हमने उनसे ये कहा था कि हम आप अगर हमारा ये इशू रिजॉल्व करेंगे तो हम उसमें अल्टीमेटली आपका ये एहसान जो है उसको रेस्पॉन्ड करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे। और वो लोगों के अंदर एक स्ट्रांग फीलिंग है, यहाँ पे लोगों में ये एहसास है कि उनकी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड को पूरा किया गया है, और जब अब जब के गवर्नमेंट ने वो पूरा किया है तो लोग ये चाहते हैं कि हम उसको रेस्पॉन्ड करें पॉजिटिवली और भाजपा को हम वोट करें। सर, बहुत सारे पहाड़ी लोग या गुजर लोगों से यहाँ पे मिले, जो कि उन्होंने ये भी कहा कि चलो वो तो है, उन्होंने हमें ये रिजर्वेशन दी है एस टी कोटे में शामिल हमने किया है, लेकिन अब ये कौन सा लॉजिक हुआ कि वो मुझे बोल रहे हैं कि हम ऐसा का बदला ऐसा ऐसा से, और दूसरी तरफ से जो ज़्यादातर युवा हमें मिले वो बोले अब हमें इस कॉस्ट पॉलिटिक्स से ऊपर है, क्योंकि डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, हमें सारे एजुकेशन की बात करनी, क्योंकि हम आज भी यहाँ से जम्मू जाते हैं पार्टी, कोई कश्मीर जाता है, कोई अलीगढ़ जाता है, बाकी दीगर रियासतों में, इस पर आप देखिए। पहली बात तो ये है कि ये एक मिसनॉमर है कि भाजपा में ये कह रही है कि आप रिस्पॉन्ड, ये हमने वॉलेंटरली अपनी तरफ से उनको ये कहा था। मैं अमित शाह साहब से 25 दिसंबर 2019 को मिला, जिस वक्त हमने अपनी ये डिमांड रखी, उन्होंने कहा कि हम इसको कंसीडर करेंगे, तो मैंने वॉलेंटरली ये कहा कि हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। भाजपा की तरफ से आज तक कभी ये डिमांड नहीं है। अब रहा सवाल ये कि अगर हम इस बात को दुरुस्त माने, ये एक मॉरली हम ओबलाइज्ड हैं कि हम उसको रेस्पॉन्ड करें जो कमिटमेंट की हुई है, और लोग उस पर खड़े हैं। अब युवा अगर ये मानते हैं और कहते हैं कि मेरिट की बुनियाद पर वोट होना चाहिए, तो मैं उनके साथ हूँ। अगर हम मेरिट की बुनियाद पर एनालाइज करें जो जिस ढंग से आज तक यहाँ की गवर्नमेंट्स ने इन्हीं नौजवानों के साथ बिहेव किया हुआ है, तो मेरिट की बुनियाद पर भी भाजपा से बेटर ऑप्शन कोई नहीं रहा है। हमने बड़ा बुरा वक्त देखा है हमारे इन बच्चों ने, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज़माना रहा हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट्स रही हूँ या पीडीपी का ज़माना भी था, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट हो वो बेटर से खूबतर परफॉर्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज जहाँ पे हम हैं, डेवलपमेंट का जो इंडेक्स आज है जहाँ पे हम खड़े हैं, उसको अगर हम माजी के साथ कंपेयर करें, तो मेरे ख्याल से भाजपा जो है वो बहुत ही मजबूत पोजीशन में है। और नौजवान को अट्रैक्ट होना है, यहाँ पर सिर्फ अफवाहें फैलाकर यहाँ का जो बीजेपी का डेवलपमेंट का वो प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स है वो निगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बाकायदा एक मुनज़म तरीके से कैलिब्रेटेड एक एफर्ट है जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चलाई जाती है। पहले जब हम यहाँ आए थे 3 महीने पहले, जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, तो तब जो है सियासत दूसरी और चेंज, जब हम आ जाए तो हम जब वहाँ सुरनपुर से आए तो बहुत सारे लीडर जो उस टाइम पहाड़ियों गुजर के वोट मांगते थे, आज वो भी सिक्योलर की बात करके नहीं हम बराबरी होगी, और इसी तरह से जब हम यहाँ आए तो उस तरफ मुर्तजा साहब का शिफ्ट किसी और चीज़ पे था, आज किसी और चीज़ पे, तो क्या वजह हुई इन 3 महीनों में पीर पंचाल बदल गया? देखिए, पीर पंचाल नहीं बदला, उस वक्त हमारा इशू ये था, मैंने भाजपा से साफ ये कहा था कि हम किसी प्रॉक्सी को वोट नहीं करेंगे,
और जिन प्रॉक्सीज को शायद भाजपा उस वक्त मजबूर थी उन प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने की, और जिस बंदे को वो सपोर्ट कर रहे थे आज वो वहाँ से वो पार्टी ही छोड़ के भाग गया हुआ है। तो मेरा स्टैंड ये विंडिकेट हो रहा है कि वो इंडिविजुअल जिसके लिए भाजपा हमें ये कह रही थी कि आप वोट करो, वो शायद भाजपा का वो फैसला दुरुस्त नहीं था। जहाँ तक कमिटमेंट की बात थी, हमने उस वक्त भी ये कहा था कि भाजपा को चाहिए कि वो अपना केंद्र सामने लेके आए, हम उसको सपोर्ट करेंगे। ये हो गया एक पार्ट इसका। अब डायनेमिक्स, और मैंने उस वक्त पीडीपी को सपोर्ट किया था और मैंने ये कहा था कि जो चॉइसेस हैं हमारे सामने उन चॉइसेस में से सबसे बेस्ट चॉइस पीडीपी का है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं ये समझता हूँ जम्मू कश्मीर की जो तबाही रही है 47 से लेके आज तक, उसकी जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है। उनका कभी स्टैंड और स्टैंड यूनिफॉर्म नहीं रहा है, वो हमेशा एक जगह पे एक टाइम पे एक बात करते रहे और दूसरे जगह पे दूसरे टाइम में दूसरी बात करते रहे। डेवलपमेंट एक मेजर इशू है और रहना भी चाहिए, इसमें डोमिनेंटली वही नज़र आपको आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ मैंने जो कहा कि ये कमिटमेंट वाला इशू है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ब्रश असाइड नहीं कर सकते, क्योंकि लोग सेंटिमेंटली जुड़े हुए हैं इस इशू के साथ और उनको ये मालूम है कि 30 साल से उनके साथ धोखा होता रहा है और अल्टीमेटली इस भाजपा गवर्नमेंट को उनके हमदर्दी के लिए उनके रेस्क्यू पे आए, उनको शेड्यूल ट्राइब ग्रांट किया है। ये एक बहुत बड़ा इशू था। मैं तो ये अप्रीहेंड कर रहा था कि अगर ये शेड्यूल ट्राइब नहीं होता रही और जिस ढंग से हमारी सोसाइटी यहाँ पर बटी हुई है बिटवीन गुजर्स एंड पहाड़ीज और जो इनके दरमियान जो कुदूरतें और नफरतें आगे बढ़ रही हैं, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब यहाँ पे सिविल वार होगी इन दो कम्युनिटीज के बीच में। तो अब जब इतना बड़ा वो जो इशू है उसको एड्रेस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और पहाड़ी को शेड्यूल ट्राइब दे के उनको एक एहसास दिलवाया है कि आप बराबर के यहाँ के शहरी हो, तो अब अगला स्टेप तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट का होगा। जी सर, आप जो थे पीडीपी के कोर फाउंडर मेंबर्स में थे, आपने उनका जो सेल्फ है बाकी चीज़ें वो ड्राफ्ट की थी आपने उनकी, जब जो या जो मैं पार्टी का जो मेन मेंबर था उस पर आपका वो नजरिया था, तो क्या वजह हुई कि आपने पीडीपी को छोड़ के? देखिए, पीडीपी को मैंने इसलिए छोड़ा कि पीडीपी ने अपना जो बेसिक स्टैंड था वो छोड़ दिया। मैं इस पिछले इलेक्शन तक ये सोच रहा था बल्कि इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और मेरे साथ कश्मीर में अच्छे खासी तादाद में पॉलिटिशियन मौजूद थे, हम ये चाह रहे थे कि पीडीपी को असल एजेंडा से डेविएट होने के बजाय इसको वापस लाकर उस पॉइंट पे हम भाजपा के साथ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बैठ के बहुत सारी जो है गलतफहमियां उनको दूर करके हम आगे बढ़ें ताकि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो, यहाँ पे प्रॉपर डायरेक्शन में हम लोगों को लेके जाएं। लेकिन पीडीपी की प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन जिस दिन हारती है और दूसरे दिन उसका बयान होता है कि आप चकांदा बाग रास्ता खोल दो, आप मुजफ्फराबाद की सड़क खोलो, भाई आपको क्या लेना है चकांदा बाग से और मुजफ्फराबाद से, आप बात करो जम्मू कश्मीर की स्टेट की बहाली की, आप बात करो जम्मू कश्मीर के जो लैंड के प्रोटेक्शन के लॉज हैं उनको रेस्टोर करने की, यहाँ के नौजवान की, यहाँ की बेरोजगारी की, यहाँ के और जो पीस रिलेटेड इशूज़ हैं नॉर्मेलिटी लाने के लिए उनके लिए। लेकिन वो हमेशा जो है वो मिसगाइड करके लोगों को वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं जो पाकिस्तान की तरफ जो है जज्बाती तौर पे उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है, वो रियलिटी नहीं है। हमें ये याद रखना चाहिए यही हमारा मुल्क है और इसमें रहकर हमने यहाँ के जो सिस्टम है उसके साथ लोगों को उसके साथ साथ लेके चलना है। ये जज्बाती स्लोगन से ये सारी प्रॉब्लम। ये भी जानना चाहूँगा कि अब जैसे भाजपा का स्टैंड है कि 370 पाकिस्तान से कोई बात नहीं, क्या मतलब कश्मीर या पीर पंजाब के या जम्मू के लोगों को ये चीजें तस्लीम करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, एक रियलिटी है। 370 क्या है? मैं तो हमेशा से ये कहता रहा हूँ एज ए लॉयर, जितना एक कॉन्स्टिट्यूशन मैं जानता हूँ 370 के अंदर कुछ भी बाकी नहीं था, वो एक मुर्दा घोड़ा था जिसको अल्टीमेटली उठा के फेंक दिया भाजपा ने। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इसको 370 की एब्रोगेशन को नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके गए, दैट मीन्स को आप सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन को आपको एक्सेप्ट करना है और सुप्रीम कोर्ट ने 370 की एब्रोगेशन को जस्टिफाई कर दिया। फिर उसके बाद ये रिव्यू पिटीशन लेके गए, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो उसके बाद कौन सा लीगल या मॉरल अथॉरिटी है इनके पास कि आपने तमाम जो है वो ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के बाद आप फिर जो है वो उसकी दुहाई देते हैं 370 की? ये लोगों को ये दिस इज
सिंपली हुड विंकिंग, उसके अलावा ये कुछ नहीं है, ये एक रियलिटी है। पुल के नीचे से बहुत सारा पानी बह चुका है, 370 एक हिस्ट्री है, और 370 का राग अलापने वाले लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अलबत्ता मेरा ये स्टैंड कंसिस्टेंटली रहा है कि 35A के अंदर कुछ जो मराहत थी, जो जो एक सेफ गार्ड्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड, उनको अब 370 के जाने के बाद 35A तो रह नहीं सकता, उन सेफ गार्ड्स को आप किसी दूसरी शक्ल में, दूसरे किसी कानून में, आइन के अंदर तरमीम करके या जैसे भी उसको वर्कआउट किया जा सकता है, उसकी बात कर रहे हैं। जब मेहनत के आम लोगों के इश्यूज क्या है, वो मतलब साहब की जो ताजिया हो रही है, सब चीज जाती तो किस चीज? देखिए यहाँ पे हम जो है ना, हम एक डेड एंड पे हैं, हम एक बहुत ही दूर उफ्तादा और पसमानदा इलाके में रह रहे हैं, यहाँ रोड्स की हालत खराब है, यहाँ पीने का साफ पानी नहीं है, यहाँ अच्छे स्कूल नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए यहाँ से लोगों को जम्मू जाना पड़ता है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, यूथ हमारे फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर यहाँ मौजूद नहीं है, इंडस्ट्री यहाँ मौजूद नहीं है, तो ये कई एक इस तरह के इश्यूज हैं। फिर जो लोग मुलाजमतों में मौजूद हैं उन उनके जो वो डेली वेजर और छोटी छोटी तनख्वाहों पर, मुशायरों पर काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट करने का इशू है, बहुत सारे इशूज़ हैं यहाँ पर। यहाँ हमारे नौजवान हैं जो वादी कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्स में नौकरी कर रहे हैं, जितनी एक वो तनख्वाह लेते हैं उतना वो महीने में उधर खर्च करके, तो अल्टीमेटली वो जो है वो एक बड़ा इशू है, उनको वापस अपने इन इलाकों में लाना, कई एक इशूज़ हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है और मेरी प्रायोरिटीज में शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सरदार मुर्तजा खान साहब, जिनसे हमने बात की मेंढर के हवाले से, मेंढर कॉन्स्टिट्यूएंसी के हवाले की इस तरह की इस बात जो है लोगों की उम्मीदें हैं। आप बनी रहेगा हमारे साथ, देखते रहे प्राइम पोस्ट।